रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फेयर प्राइस फेडरेशन सर, आप लोग की यहाँ पे जनता मंदिर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग की बेसिक मांग क्या है? हमारी केवल एक ही मांग है, हमें तमाम हिंदुस्तान के 5,27,000 लगभग राष्ट्र दुकानदार उरुत नहीं तोलने वाले श्रमिकों को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए, और जब तक सरकार इसमें समय लगाए 1 साल 2 साल 3 साल किसी कारण से, तब तक हमें मेडिकल सुविधाएं अविलंब दे दी जाए, चिकित्सा सुविधाएं। सर कटारिया जी, इसमें कहा जाता है कि आप लोग बीच में बड़ी धांधली करते हैं पीडीएस ये सब खत्म करने के लिए। मैं प्रेस के सामने खड़ा हुआ हूं और आज तो मैं यहां जंतर मंतर पे धरने के रूप में हूं, और मैं एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मीडिया के सामने, जनता के सामने हो जाऊंगा कि हम चोर नहीं है। हमें सरकारी कर्मचारी के दर्जे, राशन दुकानदार को दर्जा दे दिया जाए, हम सरकार की, हम जनता की सेवा उसमें करेंगे, मतलब बिना स्वार्थ के तन मन धन से आज भी कर रहे हैं हम 20 घंटे काम। अच्छा, एक जगह कटारिया जी, मैं चाहूंगा आप लोग भी पीछे बोलिए, पीछे बताइए कि थोड़े बोले कि अभी अगर इसको ऐसा अगर प्रोसीजर कर लेते हैं तो उसमें काफी थोड़ा समय लग सकता है, 1 साल 2 साल, तो तब तक आप लोग क्या चाहते हैं? तब तक हम चाहते हैं मार्केट रेट पर जी कमीशन 20%। थोड़ा सरकार लीगलाइज कर दीजिए, लीगलाइज कर दिया, हमें सरकार कमीशन नहीं दे रही है, 70 रुपए कमीशन है, 60 रुपए किराया है जी, तो हम कहाँ जाएं, किसको बताएं? सर मीडिया की बात आज लोग सुन रहे हैं, जब तक सरकार इसमें समय लगाए सरकारी कर्मचारी होने में, तब तक सरकार हमें अविलंब कमीशन 200 रुपए प्रति क्विंटल। आप लोग बेसिकली कह रहे हैं कि अभी अगर कमीशन नहीं मिलती तो आप लोग घर नहीं चला पाते हैं, नहीं चला पाते हैं, और हमें चोरी का दर्जा और मिला हुआ है। अब आपको भी, आप सीनियर हो जाएंगे, पुलिस वाला कंधे में 2 फूल 3 फूल लग जाएगा और वो बड़ी इज्जत से रिटायरमेंट होगा। हम रिटायरमेंट होने के लायक नहीं है, जब हमारे आदमी में से राशन डीलर की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को राशन दुकानदार नहीं दी जाती है। अच्छा। तो उसमें से एक उसको ये पूरे देश में किया जाए, किसी राज्य में है किसी में नहीं है, बनने के बाद में एक परिवार के सदस्य। अच्छा, एक और यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए क्या पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली? परंतु कृषि जो होता है एक स्टेट सब्जेक्ट, फूड प्रोसेसिंग, फूड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, हमारा कृषि प्रधान देश है, पूरे देश में कृषि जहाँ जहाँ भी गया हुआ है, भारतीय खाद्य निगम ऑल ओवर इंडिया में स्थापित है, हम चाहते हैं वहीं से माल लेकर के हमें उसी रेट पर हमारा कमीशन बचा के हर स्टेट में दे दिया जाए, और एक फिक्स कमीशन हर स्टेट में, हमारे फिक्स हो, एक यूनिफॉर्म रेट हो, यूनिफॉर्म कमीशन हो, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहते। जब तक सरकार हमें एक सरकारी कर्मचारी नहीं बना देती, हमारी केवल एक ही मांग है, सरकार हमें सरकारी कर्मचारी बना दे, और जब तक इसमें समय लगाए तब तक हमें चिकित्सा सुविधाएं दी जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण करने के लिए दुकान का किराया दिया जाए, हमारे पैकर की तनख्वाह दी जाए। एक सेकंड में पीछे, आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? हमको सरकारी सेवक घोषित किया जाए हर हाल में, हम कमीशन पर जीना नहीं चाहते, हमारे ऊपर पर चारों तरफ से नहीं चाहते, और सरकारी सेवक घोषित होने के बाद में हम तो इस पर से साफ चोरी का हमारे पर से अंजाम लगाया जाता है वो खत्म हो जाएगा, और ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। एक चीज काका, हमेशा ये जो जिंदगी होती है जिसमें आपको इज्जत भी नहीं मिलती और लोग इस तरीके कहते हैं, तो इसमें कैसा लगता है, समाज में कैसे जी पाते हैं? बड़ी शर्म महसूस करते हैं हम जी, हाँ बड़ी शर्म आती है, हम भी ईमानदार बनना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी बना दे, हम ईमानदारी से हम इज्जत से रहना चाहते हैं। सर आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? शर्म आती है कि नहीं राशन दुकान चलाते हुए? बहुत शर्म आती है, क्यों लगे बताओ टेलीविजन के सामने? बिल्कुल, ये सब राशन दुकानदार चाहते हैं, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। हम लोग